कभी सफेद परी, कभी भारतीय नारी, कभी हॉट बेब तो कभी संस्कारी। ये है अपर्णा दीक्षित, जिनके हैं कई लुक्स। भाई अपर्णा ने ढेर सारे सीरियल्स में काम किया। छोटे पर्दे पर अपर्णा को लोग जानते हैं कलश, एक विश्वास की देविका के रूप में, बेपनाह प्यार की बानी के रूप में, और हाल ही में प्यार की लुका छिपी की सृष्टि के रूप में। लेकिन इन सब किरदारों के इस पार अपर्णा दीक्षित धर लिया है आज एक ग्लैमरस अंदाज। उनके लुक समेट कर लाई है फोटोग्राफर माया, जो अपने कैमरे की माया से अपर्णा का हर अंदाज कैप्चर कर रही है। तो चलिए चलते हैं। लेकिन इसके लिए अपर्णा को मेकअप पर काफी मेहनत करनी पड़ी, कपड़ों की स्टाइलिंग करनी पड़ी, और उसके अलावा एक खूबसूरत लोकेशन उनकी फोटोग्राफ्स को दे रही है अनोखी चकाचौंध। तो चलिए माया के कैमरे से आज देखते हैं अपर्णा के अनोखे रुख। अपर्णा दीक्षित हमें मिली बिना मेकअप के सिंपल अंदाज में। चलिए तो मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ अपनी आज के शूट के ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर। और मैं अभी जैसी लग रही हूँ, डोंट वरी, थोड़ी देर बाद एकदम मेरा चेंज लुक होगा। एंड लेट्स सी मेकअप दादा, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मेरे ऊपर क्या लुक होने वाला है, मैंने पूछा भी नहीं। आई थिंक आई एम ट्रस्टिंग देम कम्प्लीटली। एंड या लेट्स स्टार्ट, आई एम सुपर एक्साइटेड। और शुरू किया अपना मेकओवर। तो भाई अपर्णा रेडी है अपने मेकओवर के लिए, तो शुरू करते हैं उनके मेकअप का सिलसिला। मेकअप के लिए उनके मेकअप दादा रेडी हैं और उनके चेहरे पर चित्रकारी शुरू हो गई। सबसे पहले चेहरे को संवारा गया, उसके बाद आंखों को, फिर उनके नैन नक्शों को तराशा गया, उसके बाद बालों की सेटिंग, होठों का रंगना, और अपर्णा का मेकअप और हेयर हो गया। इसके बाद बारी थी पहली कॉस्ट्यूम की, यानी लुक नंबर वन की। पर लुक नंबर वन में वो बिल्कुल वाइट चांदनी वाले लुक में है, लेकिन साड़ी नहीं पहनी है, पहनी है एक मॉडर्न ड्रेस। ड्रेस पहनकर अपर्णा रेडी है पोज करने के लिए, और माया ने उनके अलग अलग दिलकश अंदाजों को कैप्चर किया। अब आ रही है लुक नंबर टू की, जो है थोड़ा इंडो वेस्टर्न फ्यूजन। यहाँ पर अपर्णा के बालों का स्टाइल बदल गया, थोड़ा सा मेकअप चेंज हुआ, और उसके बाद इस खूबसूरत लुक को भी माया ने अपने कैमरे में कैद किया।
सब बोलते हैं दैट दीज डेज मिनिमम इज इन, आपको जितना कम जितना सटल आप रखेंगे, हमारा मेकअप भी जैसे आप देख सकते हैं एंड नो ज्वेलरी, ड्रेस के लिए हम शूट कर रहे हैं सो एक्चुअली में इट जस्ट द ड्रेस दैट्स इनफ फॉर अस। अब आ रही है पढ़ना के लुक नंबर 3 की, जहां वो बन गई नीलम परी। देखिए कैसे इस नीली पर्पल ड्रेस के फ्यूजन के साथ वो एक अनोखा अंदाज दिखा रही हैं। तो कलर है, ये ऐसा कलर है जो सब पर सूट करता है और मुझे पर्सनली ये कलर बहुत बहुत पसंद है। और एक्चुअली मैंने कोई और कलर इससे पहले सेलेक्ट किया था और जैसे ही मैंने कॉस्ट्यूम देखा आई वाज लाइक आई वांट टू शूट इन दिस एंड दिस इज़ सो माय स्टाइल बिकॉज यू नो लिटिल बिट टच ऑफ इंडियन, लाइक द स्टाइल इज़ इंडियन बट द वे दैट शी हैज़ मेड इट इज़ सो वेस्टर्न। सो एक वो बोलते हैं ना कि आपके लिए कुछ बना होता है, आई थिंक दिस आउटफिट इज़ लाइक दैट एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू से दैट मेकअप दादा हैज़ डन अ फैब जॉब, क्योंकि मैं हमेशा अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोलती हूँ प्लीज़ मेरे ऊपर ज़्यादा मेकअप मत करो बिकॉज देर आर सम फेसेज जिन पे बहुत ज़्यादा मेकअप सूट नहीं करता, आई थिंक आई एम वन ऑफ दैम। ये मैंने खुद ही सेल्फ एक्सेस वो कर लिया है बट उन्होंने जिस तरीके से एकदम सटल मेकअप किया है, हेयर भी बहुत ही इंटरनेशनल लुक दे रहे हैं हम, और आई फील लाइक जो इंडियन गाउन्स होते हैं और हम इंडियन डिज़ाइनर्स जो कपड़े बनाते हैं उसमें वी हैव दैट वेस्टर्न थिंग बट हमारा वो जो इंडियन टच है ना वो रहता ही रहता है जैसे कि आप देख सकते हैं एंड दैट्स लाइक द बेस्ट थिंग। आई लव माई कल्चर बिकॉज ऑफ दिस, सो आई थिंक ऑल द कॉस्ट्यूम्स हैव डन जस्टिस और हम लोग जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि कैसे लग रहे हैं तो आपको ही बताना पड़ेगा बट मैं अपने आप को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग लग रही है एक्चुअली। यू नो सबसे अच्छी चीज़ इन टाइप के शूट की ये होती है कि कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं होता, आप उस टाइम पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कई बार एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ यू नो अच्छा नहीं होता और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कुछ कर रहे हो तो और सडनली यू नो, तो आई हैड अ हेयर बैंड जो अब आई डोंट नो जो लड़के लोग हेयर बैंड लगाते हैं, मैंने वो लगाया एंड वी थॉट कि चलो हम इसमें बिकॉज वो छोटे छोटे यू नो पार्टीशंस आ जाते हैं हेयर में एंड आउट ऑफ नो वेयर वी क्रिएटेड दिस लुक। सो आई थिंक ये एक तो मेकअप दादा की भी होता ही है, उनके हाथ में होता है कि उनकी मॉडल या उनकी एक्टर कैसी लगेगी और वो ट्यूनिंग भी होती है। सो आई फील लाइक ये आज का शूट सब कुछ यू नो एवरी थिंग इज़ वेरी नाइसली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड, दैट्स वाई वी आर एबल टू डू वॉट वी आर डूइंग। थैंक यू भैया। बारी है फोटोशूट की, देखिए अपर्णा कैसे इस ब्लैक ड्रेस में सेक्सी पोज़ेस दे रही है और माया इनके इस कातिलाना दिलकश अंदाजों को कैप्चर कर रही है। तो कुछ ऐसा था अपर्णा दीक्षित का ब्लैक एंड व्हाइट फोटोशूट जो थोड़ा मायावी था, थोड़ा जादुई था और कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत था, जिसे माया ने अपने कैमरे में और इस खूबसूरत लोकेशन ने और बढ़ाया। विशाल शर्मा, मुंबई आज तक।